ईश्वर हमारे साथ है। जय श्री राम। आई जानिए सिंह राशि का हाल। जून मास में सिंह राशि पर क्या क्या राशियों का प्रभाव रहेगा, ग्रहों का प्रभाव रहेगा, इसके लिए सिंह राशि कहते हैं कि दुख में सुमरन सब करें पर सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का है। कुछ यात्राएं और वो भी तीर्थ यात्रा, तीर्थ यात्राओं को करने का योग बन रहा है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, सिंह राशि वाले विशेष तौर से जो व्यक्ति अकड़ करके चलता है, घमंड करता है, एक ना एक दिन उनका घमंड चकना चूर हो जाता है। रावण जैसों का घमंड नहीं रहा। जिस समय प्रभु राघवेंद्र सरकार वापिस आए 14 वर्ष का वनवास काट करके, तो माँ कौशल्या ने कहा कि बेटा रावण को तुम्हें मार, ऐ मेरे कोमल राम, क्या रावण को तुमने मारा? उस समय प्रभु राघवेंद्र सरकार ने कहा कि रावण को मां मैंने नहीं, मैंने मारा, मैंने नहीं, मैंने मारा, उसकी मैंने मारा। ईगो प्रॉब्लम, आज नहीं तो कल दुखदायी। तो सिंह राशि वालों को मैं विशेष ये कह रहा हूं, झुककर के चलता है उसी को फल लगता है। जो गत दिनों के अंदर, पिछले दिनों के अंदर आपने अपने अहम के कारण जिन लोगों के साथ गलत व्यवहार किया था, उसका दुष्परिणाम आपके सामने आ सकता है। और इस कारण आपको अपनी गलती का एहसास होगा और आपका मन प्रभु चरणों में लगेगा। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को अपराध। लेकिन ध्यान देना, बार बार गलती करने वाला इंसान नहीं, शैतान कहलाता है। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पुनः अपने अहम के कारण ये गलती ना हो। जून मास आपको भक्ति की ओर, तीर्थ यात्राओं की ओर और कुछ नए संबंधों के साथ मिला सकता है। कुछ नए मित्र आपसे आकर के मिल सकते हैं। आपका भाग्य प्रतिशत रहेगा जून मास में 72%। जय श्री राम। अगर आपके मन में कोई संशय, कोई प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या इन नंबरों से आप हमें सूचित कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ हमें लिख भेजिए। हमें खुशी होगी कि हम अगर आपकी समस्याओं का समाधान कर सकें। सदा खुश रहें और खुशियां बांटते रहें, क्योंकि ईश्वर हमारे साथ।